डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल पर निबंध। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में लखनऊ के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनकी छोटी उम्र में ही इनकी माँ का देहांत हो गया था, जिस कारण दादी ने ही उनका लालन पालन किया। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद एमए परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात साहित्य सृजन आरंभ कर दिया था। इन्होंने वहीं से पुरातत्व विषय में विशेष रुचि ली थी। इसी विषय पर उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में डीलिट की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने पीएचडी भी किया। इन्होंने संस्कृत, पाली तथा प्राकृत भाषाओं का अध्ययन किया। लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के निरीक्षक रहकर डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने भारत की प्राचीन संस्कृति का कड़ा अनुसंधान किया। वे केंद्रीय सरकार के पुरातत्व विभाग के संचालक रहे। वे काशी विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष और बाद में आचार्य रहे। सन 1967 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हो गया। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं: कल्पवृक्ष, पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, माता भूमि, उरु ज्योति, कला और संस्कृति, वाग्धारा, वेद विद्या। उन्होंने मलिक मोहम्मद जायसी, मेघदूत और पद्मावत की संजीवनी व्याख्या भी लिखी। उन्होंने संपादन और अनुवाद कार्य भी किया। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल सच्चे अर्थों में भारतीय संस्कृति के उपासक थे। भारतीय संस्कृति से उनका अगाध प्रेम था। उनके साहित्य में भारत के अतीत के स्वर्णिम पृष्ठों का गान है, वर्तमान के प्रति जागरूकता है और भविष्य के प्रति अटूट आस्था है। पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के अतिरिक्त ये काव्य प्रेमी भी थे। धन्यवाद।